गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दो idiom रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है जर्ड ऑफ द लॉइंस, मीन्स कमर कस लो। किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो आप रेडी हो जाए, बिल्कुल अच्छे से फुर्तीला रेडी हो जाए बस। फिर नेक्स्ट है डग डाउन। डग डाउन का मीनिंग है किसी सिचुएशन से बचना है हमको, कोई सिचुएशन है उसमें हमको बचना है। जैसे कि डक होती है, डग डाउन का मीनिंग है डक होती है तो वो जब उसको कोई आता है शिकार करने तो वो सिकुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं डक डाउन। अब स्टार्ट द क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ कि आप प्रसन्नचित होंगे और ये भी शायद मैं सही सोच रहा होगा कि आप मेरे इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं आपको निराश नहीं करता। रोजाना एक वीडियो idioms का और एक वीडियो इसका वोकैबुलरी का रोजाना अपलोड करता हूँ। और आज आपने देखा होगा कि एक वीडियो मैंने कोरोना वायरस पर भी अपलोड किया है, जबकि मैंने 16 मार्च को एक कोरोना वायरस पर ही एक वीडियो अपलोड किया था, परंतु अपने एक स्टूडेंट ने कहा कि साहब थोड़ा कोरोना वायरस पर थोड़ा विस्तृत पूर्वक बताइए, तो मैंने उसी के लिए थोड़ा आज विस्तृत पूर्वक डाला है वीडियो। अब मैं आज जो है कुछ idioms लेता हूँ, है ना। idioms का तो आप जानते ही हैं कि उनका शब्दार्थ से कोई मतलब नहीं है, उनका भावार्थ से मतलब है। और चूंकि ये 10वां वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ, और आप ध्यान रखना जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा और आप इंस्टीट्यूट में आएंगे तो मैं आपका टेस्ट लूंगा। आप सोचे कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है और आप मस्ती से पबजी खेल रहे होंगे, पबजी खेलोगे पूरे टाइम, पबजी खेलोगे तो मैं भी आपको पबजी खिला दूंगा। आप डेफिनेट रखिए कि जितने भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारों का आप रिकॉर्ड रखना, डायरी में रखना और प्रत्येक को अच्छी तरह से सीख करके आना, अन्यथा मत आना, नहीं तो मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा, इंस्टीट्यूट से रेस्टिकेट कर दूंगा, क्योंकि और दुनिया इन वीडियो से अपलोड से मैं जो कर रहा हूँ उससे फायदा उठा रही है, तो मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली इसके लिए इसके पात्र हैं कि उनको फायदा उठाना चाहिए। तो मैं अब जो शुरू करता हूँ, देखिए डॉग ईट डॉग सिचुएशन। अब आप जानते हैं कि डॉग को कभी डॉग नहीं खाता है, ये कोई असाधारण अवस्था आ जाए, क्या ऐसा हो जाए इस जगत में कि डॉग डॉग को खाने लग जाए, तो ये असंभव घटना है। परंतु मनुष्य ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि जिससे कि उसका भाव ये निकले कि डॉग इज ईटिंग अनदर डॉग। इसका मतलब है कि ऐसे प्रतिस्पर्धा हो कि एक को छोड़ के दूसरे से आगे निकलने की हो, है ना, मतलब प्रतिस्पर्धा हो परंतु वो प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव। तो ऐसे नेगेटिव प्रतिस्पर्धा को हम कहेंगे कि डॉग ईट डॉग सिचुएशन, कि साहब आपने इतना फायदा कमाया, मैं उससे भी ज्यादा कमाऊंगा, मैं उससे भी ज्यादा कमाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन जो अवांछित सिचुएशन है उसको हम कहते हैं कि डॉग ईट डॉग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में कोई काम करना नहीं चाहेगा, उस जगत में नहीं रहना चाहेगा, वो इन परिस्थितियों को बदलाव करेगा या फिर उस परिस्थितियों से दूसरे संसार में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि डॉग ईट डॉग सिचुएशन ऐसी भयानक प्रतिस्पर्धा हो जो अवांछित हो, जो नेगेटिविटी लिए हुए हो, तो ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि यहाँ तो डॉग ईट डॉग सिचुएशन है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। दूसरा है डाई इन वंस बूट, और इसको मैंने दूसरा ये कर दिया कि डाई इन नॉट डाई इन वंस नॉट इन बेड, डाई इन वंस बूट। इसका मतलब है करते धरते फिरते चढ़ते स्वस्थ रहते हुए इस शरीर को त्यागना, ऐसे नहीं है कि डाई इन बेड। डाई इन बेड माने बीमार होकर के मरना, वो भी क्या मरना। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि आई व्हेनेवर आई डाई इन माय बूट्स। इसका मतलब है बीमार नहीं हूं, हलते चलते
काम करते हुए स्वस्थ रहते हुए आई शुड गिव अप द घोस्ट. गिव अप द घोस्ट भी एक दूसरा idiom है जिसका मतलब है टू डाई. इसलिए ये तो मैं चाहता हूं कि ये तो वांछित है कि डाई इन वंस बूट, दिस इज डिजायरेबल. बट व्हाट इज नॉट डिजायरेबल, डाई इन वंस नॉट इन बेड. यदि डाई यू इफ यू डाई इन योर बेड, अरे ये तो बहुत बुरा है, चलो इसको छोड़ो. वन शुड डाई व्हाइल ही इज इन वंस बूट. नाउ इन ए पिकल, इन ए पिकल का मतलब है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे निकालने के लिए आपके पास अभी कोई दिमागी कोई ऐसी तरकीब नहीं हो, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम इन ए पिकल. और इस पिकल के पीछे दो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं. आई एम इन ए प्रेटी पिकल, प्रेटी पिकल इसका मतलब है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, आप बड़े मतलब मुसीबत में हैं, तो यू आर इन ए पिकल. इससे मिलता जुलता ही है आई एम इन ए फिक्स. आई एम इन ए फिक्स की क्यों कर्तव्य मूड कि मैं क्या करूं, इस बात को डिसाइड नहीं कर रहा कि जैसे मान लो कि दो परीक्षाएं साथ ही आ गई, दो परीक्षा साथ आ गई, एक तो मान लो कंपटीशन की है और दूसरी परीक्षा है आपकी मान लो फाइनल ईयर की है, है ना. और आप सोचते हैं कि कंपटीशन वाले में आप पास होने की क्षमता रखते हैं, परंतु एकेडमिक वाली जो फाइनल ईयर है वो भी बहुत जरूरी है. तो देन आई कैन से दैट यू आर इन ए फिक्स. और फिर आपका जो विवेक है वो ही तय कराएगा कि हाउ यू कैन लिव बिहाइंड दिस योर कंडीशन इन फिक्स, तो उसको त्याग सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज बफल हेडेड. बफल हेडेड, अब बफल हेडेड क्या होता है कि हैविंग ए लार्ज हेड, बहुत बड़ा सिर वाला, है ना, बहुत बड़ा सिर वाला कैसा, लाइक ए बफेलो. बफेलो जितना बड़ा सिर हो, पर सिर तो बड़ा है परंतु उसमें क्या है, डल स्टूपिड पर्सन. इसीलिए जिसका सिर बड़ा हो, बफेलो जाए जितना बड़ा सिर हो, तो हम यदि कहें कि ही इज ए बफल हेडेड पर्सन, व्हाट वी मीन बाय दिस idiom, दैट पर्सन इज ए डल पर्सन, स्टूपिड पर्सन और इज ए डंस, है ना. वैसे तो अपन शेखावाटी में कहावत है कि सिर बड़ा सपूत का और पैर बड़ा कपूत का, परंतु ये इंग्लिश है. इंग्लिश में कहते हैं कि यदि आपका बहुत बड़ा सिर है और इस तरह से यदि आपको यदि पिजोरेटिवली यानी डेप्रिकेटिवली कहा जाए तो आपको हम डल और स्टूपिड पर्सन ही कहेंगे. नाउ ए डॉग इन द मेंजर, ए डॉग इन द मेंजर. मेंजर क्या होता है कि जहां गायों को भैंसों को जिसमें चारा डाला जाता है, घास फूस डाला जाता है और उसमें से वो खाती है, उसको हम मेंजर बोलते हैं. अब ये उस मेंजर में कोई कुत्ता बैठा है तो कुत्ता तो घास खाएगा नहीं, परंतु केटल को भी नहीं खाने देगा. यानी ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि मेरा भी फायदा नहीं हो रहा है, यानी कुत्ते का कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो घास में बैठा हुआ है, वो तो खा नहीं रहा है, परंतु वो केटल को भी नहीं खाने देगा. तो यदि आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हो कि न तो आपका फायदा हो रहा हो और न दूसरे का फायदा होने दे रहे हो, तो यू आर ए डॉग इन द मेंजर सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन को यदि है तो अवॉइड करने का प्रयत्न करना चाहिए और नहीं है तो नहीं होने देना चाहिए. नेक्स्ट है डाई इज कास्ट. डाई इज कास्ट इसका मतलब है जो होना सो वो हो गया, अब उसको टाला नहीं जा सकता. तो इस डाई इज कास्ट के पीछे एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध भूमिका है, उस भूमिका को मैं आपको कल बताऊंगा. तब तक आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहिए और लक्ष्मण रेखा को मत उलांघिए. और मैं पुनः दोहरा देता हूं कि जो वीडियोज में अपलोड कर रहा हूं आपको सारे के सारे सीखने हैं, और जब टेस्ट लूंगा, जब कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन खत्म होगा और आप नहा धो करके कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे ना, तो आप ये मान के चलना कि यदि आपने टेस्ट पास नहीं किया तो आपका काका आपको घर पर चले जाएगा. इसलिए ऐसी सिचुएशन आप जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन नहीं आए, आप डेली वीडियोज को देखते रहिए और कमेंट करिए
आपको नहीं समझ में आता तो मेरे को पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका हितेश हूं और अपना दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सा वाला है? कम्युनलिज्म, दोनों का फायदा होने वाला सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप भी फायदे में रहो, मैं भी फायदे में रहूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।